ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਦਾਦ ਮੇਂ ਵੋਟ ਡਾਲ ਕੇ ਉਨਕੋ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ। ये जो जो कोई सिस्टम जैसे कोई उन्होंने कह रहे के तहत जैसे जैसे आगे होगा वो हमारी लीगल टीम देखेगी जहाँ कोई पॉलिटिकल इनसे वो कैसे हो सकता है वो ऐसे करेंगे। आप लोगों ने अभी जो अमृतसर के जो वहाँ पे जो डीएम है उनके पास अप्लाई किया है? नहीं, उसके पास उन्होंने हम लोग को सर्टिफिकेट दिया है उनको एमपी का वो, लेकिन अभी कुछ चल रही है प्रक्रिया जैसे कि तो उस हिसाब से लगता है कितने दिनों में ये लेकिन जल्दी लगता है कि जल्दी उनको लोकसभा में वो कसम खाने का होता है तो उसके लिए जल्दी मेरे को लगता है कि भगवान ने चाहे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या मानते हैं आप ये जो जीत हासिल पार्टी की किस वजह से इस तरह की जो उनको बड़ी जीत हासिल हुई? ये जीत जी उनके साथ जो बेइंसाफी की गई वो एक पंजाब को ड्रग से ड्रग एडिक्ट जितने लोग थे उनको बचा रहे थे तो, लेकिन सरकार को कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ऐसे गलत इल्जाम झूठा उसको बदनाम करके जो इधर इतना बड़ा दूर जेल में फेंका उसे NSA लगाना, लोगों के मन में वो बहुत बड़ा रोष था, लोगों ने इसलिए उसके उसको लोग उनको पहले से भी जो नौजवानी बहुत प्यार करती थी इसलिए लोगों के मन में ये रोष था कि हमारे जो हरमन प्यारे लीडर हैं उसके साथ एक सरकार ने धक्का किया है तो इसलिए लोगों ने बहुत बड़ी बहुत बहुमत से उसको जिताया। तो 27 कैंडिडेट थे खडूर साहिब उनके बावजूद जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जीते, कांग्रेस के जीते। हाँ यहाँ जी यही है कि लोगों के मन में तब छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बीबियों तक इतना प्यार था कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, सब इलेक्शन जी लोगों ने लड़ी इसलिए लोगों के दिल में उसको उनके लिए बहुत प्यार है और सरकार के प्रति बहुत गुस्सा था कि उन्होंने हमारे जो हमारे बच्चों को बचा रहा था उसको ऐसे गलत इल्जाम लगा लगा के इतना दूर फेंका है। तो ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना लाइव।